गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। सत्याम, चुबी, जय, एयन, पीयूष, मेघा, शौर्या, तबस्सुम, मैरियम, गुलशन, स्वाति, परमानंद, नम्रता, मीशा, ठाकुर, प्रसाद, ज्योति, ललिता, शिखा, कविता, सभी को गुड इवनिंग। नवनीत, नाना, अर्पिता, नजनीन, बानू, चलिए। तो हम लोग यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये है 11th बायोलॉजी की क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को 11th का सिलेबस पूरा करवाऊंगा, ठीक है। और ये बायोलॉजी की सेकंड क्लास है और जो लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं, नए हैं, या जिनका पहला क्लास है या पिछली कुछ क्लासेस किसी की छूट गई है, ऐसे किसी भी केस में आप लोगों को बता दूं कि सभी क्लासेस के वीडियो जो है ये फीड में अवेलेबल है, प्रीवियस वीडियो, आप जब चाहे तब उन वीडियोस को देख सकते हैं, मतलब अपनी क्लासेस छूटने पर उन क्लासेस को रिवाइज कर सकते हैं। हेलो रहमान, सुकन्या, निर्जला, वैशाली, प्रवंग, विनय, नून के फीड सेक्शन में। हेलो आर्यन, हेलो आर्यन, नवीन, हेलो आर्यन, आर्यन, हेलो प्रवंग मिश्रा, हेलो। चलिए, तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं बायोमॉलिक्यूल और आज बायोमॉलिक्यूल की सेकंड क्लास है। कल पहली क्लास इसकी हो गई थी, करेक्ट। जो लोग भी नए ज्वाइन हुए हैं वो लोग डायरेक्टली ऐप से क्लास को फिर से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नून क्लब, नून क्लब में आप बहुत सारे कैटेगरीज में प्राइजेस जीत सकते हैं, जैसे आपका मिस्टर एंड मिस पॉपुलर, करेक्ट, मिस्टर मिस्टर निंजा, द कॉन्क्यूरर। निर्जला, अभी बायोमॉलिक्यूल चैप्टर चल रहा है बेटा, बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। हम लोगों ने सेल फिनिश किया है और अभी हाँ कंपटीशन कल है, ठीक है। तो मिस्टर एंड मिस पॉपुलर, मिस्टर मिस्टर निंजा, द कॉन्क्यूरर, इसके अलावा जो है द चैम्पियन, जैसे आप जो लाइव सेशन अटेंड करते हैं, जो बच्चा डेली लाइव सेशन अटेंड करेगा, प्लेबैक्स देख के रिवाइज करेगा और होमवर्क टाइम पे सबमिट करेगा, वो बन सकता है द चैम्पियन। मंथली टॉपर बन सकते हैं टीचर्स के ब्रेकआउट और कंपटीशन में सबसे ज़्यादा स्कोर करने पे। मेगा क्विज, महीने में एक बार एक मेगा क्विज होगा और सरप्राइज क्विज हर क्लास में होगा। केमिस्ट्री की क्लास के लिए मेरी बात हुई है आज ही, तो केमिस्ट्री क्लास आप लोगों की जल्द ही शुरू होने वाली है, ठीक है। कल कंपटीशन जो है वो 1 से 2 बजे तक है 11th का और 2 से 3 बजे तक है 12th का, ठीक है। देन उसके बाद जो है ये सब प्राइजेस आपका इंतज़ार कर रहे हैं, फटाफट आप लोग जो है ये प्राइजेस लेने के लिए फटाफट अपने अपने काम पे लग जाइए, बहुत सारी पढ़ाई कीजिए, बहुत सारे नंबर लाइए, बहुत सारे प्राइजेस जीतिए। और ये स्टडी बडी कॉन्टेस्ट है जिसमें आप बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करके आप जो है यहाँ पे बहुत सारे प्राइजेस जो है जीत सकते हैं, ठीक है। और ये लीडर बोर्ड है, ठीक है, मिस्टर एंड मिस पॉपुलर के लिए लीडर बोर्ड है ये, जो लीड कर रहे हैं। देन उसके बाद जो है आपका मिस्टर एंड मिस्टर निंजा, ये लीड कर रहे हैं। निर्जला यहाँ पर है मेरे ख्याल से इस क्लास में, रुपेश, ठीक है।
चलिए अब हम शुरू करते हैं। सर आज कौन से सब्जेक्ट हो रहा है? ये जो है बायोलॉजी है, बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का एज़ पर दी एनसीईआरटी सिलेबस। ये जो है आपकी सेकेंड क्लास है इसकी, करेक्ट? हाँ निर्जला, ओके गुड बेटा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मोनोसेक्राइड के बारे में कल से नहीं मालूम मुझे, लेकिन जल्द ही आपकी शुरू हो जाएगी क्लास, ठीक है? हेलो जागृति, हेलो जागृति। हाँ बेटा, ओके हाँ वेलकम वेलकम बेटा वेलकम। हाँ, नहीं शाम को 6 से 7 बेटा 11th की क्लास होती है, और 7 से 8 जो है आपकी 12th की क्लास होती है। ये अभी हम लोग सेल चैप्टर फिनिश करके आज 17th नंबर की क्लास है ना। 16 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। जो क्लासेस हो चुकी है वो क्लासेस आपको फीड सेक्शन में मिल जाएगी, है ना? पूरी क्लासेस आपको प्रीवियस क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है? चलिए चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा हमारा कल जो हमने देखा था उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए कल मैंने आप लोगों को बताया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड की स्टडी कर रहे थे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, इनको आप किसी भी लीफ से, किसी भी पेड़ के पत्ते से या किसी भी ऑर्गन की टिश्यू से कैसे निकाल सकते हैं, वो एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा हमने देखा था, करेक्ट? याद आ रहा होगा आपको। कार्बोहाइड्रेट को ही हम सैकेराइड भी बोलते हैं, ठीक है? इसमें मैंने बताया था कि जैसे हमने ट्रायोज, है ना, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ये सब जो है क्या है? मोनोसेक्राइड्स है। मोनोसेक्राइड जो होते हैं उसमें आपके 1 से लेकर 3 से लेकर 7 कार्बन एटम होते हैं। ये मैंने सब कुछ आपको बताया था, करेक्ट? है ना, बिल्कुल नम्रता, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाल के। तो इसमें से हमारे जो काम के हैं वो है पेंटोज और हेक्सोज। तो पहले हम हेक्सोज देखते हैं, फिर उसके बाद हम पेंटोज की बात करेंगे, करेक्ट? हेक्सोज में मैंने आपको बताया था जो हेक्सोज शुगर होता है, जो हेक्सोज शुगर होता है वो हेक्सोज शुगर आपका अल्डिहाइडिक भी हो सकता है, कीटो भी हो सकता है। मतलब उसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था पहला आपको ग्लूकोज का, ग्लूकोज का मैंने स्ट्रक्चर बना के बताया था। ग्लूकोज में जो है अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप रहता है, तो ये इस टाइप से CHO, करेक्ट? देन उसके बाद इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बन, इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इधर कार्बन, इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिर से कार्बन, फिर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और फिर से कार्बन, फिर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये इस टाइप से आपका ओपन चैन स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, करेक्ट? इसी का मैंने आपको हेमी एसिटल स्ट्रक्चर भी बताया था, करेक्ट? ये है आपका ओपन चैन, ठीक है? ये है ओपन चैन। फिर इसका दूसरा बताया था हेमी एसिटल, तीसरा बताया था रिंग। तो रिंग स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं हम? जो ये ऐसा होता है, ये देखिए, ये कैसे ड्रॉ होता है, कैसे बन रहा है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको क्लियरली बताया था। ये रिंग स्ट्रक्चर है। और उसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? हेमी स्ट्रक्चर, ठीक है? हर्ष आपको फीड सेक्शन में पूरी नोट्स जो है मिल जाएगी, ठीक है?
चिंता करने की बात नहीं है, पूरे नोट्स आपको स्विच सेक्शन में मिल जाएगी, पूरे वीडियोस भी मिल जाएंगे, C3, C4, C5, C6 करेक्ट। और यहाँ पे एक आपका इधर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इधर हाइड्रोजन, और यहाँ से जो है C1 और C5 में एक बॉन्ड होता है ऐसा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। तो तीन स्ट्रक्चर बता दिया, ओपन चैन, रिंग चैन और हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, करेक्ट। ध्यान रखना इस चीज को। प्रियांशु वेलकम बेटा, पहली क्लास है, वेलकम, ठीक है। अब देखो जैसे हम ग्लूकोज की बात करते हैं, आज बेटा हम पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल, 11th बायोलॉजी का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। थैंक यू रहमान जी, धन्यवाद। कल क्लास होगी ना, कल क्लास होगी, कल मॉर्निंग में है क्लास, 7 से 8, 8 से 9। संध्या हमेशा इतना सारा इमोजी भेजती है डेली, खत्म हो जाएगा इमोजी, ज़्यादा मत भेजा करो, ठीक है। अब देखो जैसे हम बोलते हैं, यहाँ पे जो हमें कंसेप्ट समझना है वो ये है कि जैसे हम बोलते हैं कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो है वो एक क्या है, अल्डोज है। अल्डोज है मतलब इसमें जो है अल्डेहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, अल्डेहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, करेक्ट, ये कार्बन, ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओ माय गॉड, उल्टा बना दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक सेकंड नंबर पे, मतलब तीसरे नंबर पे कार्बन पे उल्टा रहता है, करेक्ट। फिर इसके बाद तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ऐसे के ऐसे, करेक्ट, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे। अब आप देखो कि ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज असल में हम बोलते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है, रिड्यूसिंग शुगर, करेक्ट, रिड्यूसिंग शुगर है। बोलने का मतलब ये रिड्यूस होता है ना, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन पता है क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है पता है आपको, क्या होता है रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीजन लॉस हो जाना, ठीक है, ऑक्सीजन लॉस हो जाना, ठीक है। अब देखो यहां पे, यहां पे क्या है कि ये CHO ग्रुप जो है ये रिड्यूस हो सकता है, ये रिड्यूस हो सकता है। तो जो शुगर रिड्यूस हो सकती है उसको हम बोल सकते हैं रिड्यूसिंग शुगर, करेक्ट। ये शुगर जो है रिड्यूस हो सकती है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो जैसे आपका ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये दोनों की दोनों जो है ये है आपकी रिड्यूसिंग शुगर्स। ध्यान में रखना आप लोग ये बात कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वो क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। ज्योति एक बार रिफ्रेश करो बेटा, ये सेशन बेटा 6 बजे से शुरू हुआ है। हाँ प्रियांशु, हमने सेल चैप्टर फिनिश किया है परसों के दिन ही, ठीक है। फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज को हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है, इसके ऊपर से क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। अब देखो यहां पर जैसे, अब इनका जैसे मैं ग्लूकोज का अगर मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसमें जो है कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है ना। ये आपका कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो लोग भी नए हैं, जिनका पहला क्लास है
और उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उन सबको एक टिप दे रहा हूँ कि आज की क्लास आप लोग पूरी करो, ठीक है? क्योंकि आप बीच में ज्वाइन किए हो जिसकी वजह से आपको क्लासेस शायद समझ में नहीं आएगी पहली बार में, तो आज की क्लास आप पूरी करो और उसके बाद जो है आप प्रीवियस क्लासेस के वीडियो आप देख सकते हो जिसमें से आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है? लगे तो थोड़ी देर बाद आप मुझसे कॉल पे बात भी कर सकते हो, मैं आपको आपके डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है? देखो आप, ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, इस रिंग को मतलब ये वाला छठवें नंबर का कार्बन छोड़ दो, तो ये पांच कार्बन वाली फाइव कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम, ये वाली जो रिंग बन रही है, मतलब इतना स्ट्रक्चर, इतने स्ट्रक्चर को, ये रिंग को नाम क्या है? पायरेनोज रिंग। कौन सी रिंग? पायरेनोज रिंग, करेक्ट। और दूसरा, जैसे आप फ्रुक्टोज की बात करते हो, फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला जो है बिल्कुल सेम है, C6H12O6, लेकिन उसका थोड़ा सा अरेंजमेंट जो है वो अलग है। कैसे है ये देखो, ये पहले कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यस, और यहाँ पे पहले कार्बन पे क्या था? कीटोनिक ए अल्डिहाइडिक ग्रुप था। तो फ्रुक्टोज में सेकेंड नंबर पे कीटोनिक ग्रुप है, इसीलिए फ्रुक्टोज को हम कीटोज बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी जो है आप लोगों को एक बात समझ में आ रही है कि कीटोज किसको बोलेंगे और अल्डोज किसको बोलेंगे। क्षमा, आज की ये 17th नंबर की क्लास है। कितने नंबर की? 17th नंबर की क्लास है आज की, ठीक है? अब फ्रुक्टोज में आगे स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये कीटोनिक ग्रुप हो गया, इसीलिए फ्रुक्टोज को कीटोज भी कहते हैं, करेक्ट। C3 में इधर H, इधर OH, C4 में इधर OH, C5 में इधर OH और C6 में इधर OH, ये आपका बन गया क्या? फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। क्या बन गया? फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। तो इन दोनों में, मतलब मैं बोल रहा हूं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कहां गया? ये ग्लूकोज, करेक्ट, इसका स्ट्रक्चर ये है, और फ्रुक्टोज इसका स्ट्रक्चर ये है। दोनों के फॉर्मूले आप देखोगे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के फॉर्मूले, वो है C6H12O6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। तो ग्लूकोज में आपको अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है और फ्रुक्टोज में आपको कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, जिसकी वजह से ग्लूकोज को कीटोज कहते हैं, फ्रुक्टोज को कीटोज कहते हैं और ग्लूकोज को जो है अल्डोज कहते हैं, क्योंकि इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप है और इसमें कीटोनिक ग्रुप है, करेक्ट। अगर मैं फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनता है, ये तो यहां पे कार्बन नंबर 1 होता है और यहां पे कार्बन नंबर 6 होता है, तो ये 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। अब देखो, यहां पर आप देखोगे तो जैसे ये वाला, ये जो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर था, इसमें देखो कार्बन एटम रिंग में कितने हैं? 5। इसमें कितने हैं? रिंग के अंदर कितने हैं? 4 कार्बन एटम है। कितने एटम है? 4, करेक्ट। और ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन एटम है। कितना ऑक्सीजन एटम है? 1, ठीक है? तो देखो कितना डिफरेंस है दोनों के स्ट्रक्चर में, ठीक है? तो ये वाली जो रिंग है, इस रिंग को हम क्या बोलते हैं? इस रिंग को हम बोलते हैं प्यूरेनोज रिंग। कौन सी रिंग बोलते हैं? फ्यूरेनोज। तो दूसरी बात जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि ग्लूकोज में पायरेनोज रिंग होती है, फ्रुक्टोज में फ्यूरेनोज रिंग होती है, करेक्ट है ना? दोनों के रिंग के नाम मैंने आपको बताए, अगर बात समझ में आई होगी तो चैट में लिखो रिंग। तो किसी ने पूछ लिया कि ग्लूकोज में कौन सी रिंग होती है, तो आपको बताते आना चाहिए।
फ्रुक्टोज में कौन सी रिंग होती है बताते आना चाहिए। दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला अलग अलग होने के बाद भी दोनों में अलग मॉलिकुलर फार्मूला सेम होने के बाद भी दोनों में अलग अलग रिंग क्यों है ये बताते आना चाहिए। क्यों है? बिकॉज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ग्लूकोज में अल्डेहाइडिक और फ्रुक्टोज में कीटोनिक। ठीक है, फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर भी बोलते हैं और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों जो है क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। कौन सी शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये हो गई हमारी किसकी बात, ये बात हो गई हमारी हेक्सोज की। अब हम बात करते हैं पेंटोज की। अब मुझे ये बताइए कि पेंटोज शुगर हम किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पेंटोज शुगर हम किसे कहते हैं, पेंटोज शुगर हम किसे कहते हैं? ऐसा शुगर जिसमें 5 कार्बन या ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें 5 कार्बन होते हैं, करेक्ट। हेक्सोज शुगर किसे कहते हैं, जिसमें ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, जैसे पेंटोज शुगर में बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने है राइबोज। कौन सा है? राइबोज। आपने नाम सुना होगा डीएनए का, डीएनए में होता है राइबोज। कौन सा? डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। दूसरा एग्जांपल है अरेबिनोज। कौन सा? अरेबिनोज, करेक्ट। अब जैसे हम इसका स्ट्रक्चर निकालेंगे अगर, तो कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ये ऑक्सीजन साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये करेक्ट, ये ऐसे। तो ये आपका पहले नंबर का कार्बन, ये दूसरे नंबर का कार्बन, ये तीसरे नंबर का कार्बन, ये चौथे नंबर का कार्बन और यहां पर ये 5वें नंबर का कार्बन। तो 5 कार्बन हो गए, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, पेंटोज शुगर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पेंटोज शुगर, करेक्ट। अब यहाँ पे जो बात मैं आपको मुद्दे की बताना चाह रहा हूँ वो देखो, है ना, हम यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर में फर्क देख रहे हैं, मतलब राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज में। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये मैं पहले राइबोज शुगर का बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर आपका हाइड्रोजन और इधर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, फिर इधर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, इधर में हाइड्रोजन रहता है, बाकी सब जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा रहता है। अब राइबोज के बाद जो है डीऑक्सीराइबोज, ध्यान से देखना आप लोग, करेक्ट। ये जो है कंसेप्ट यहीं पे समझना है, छोटा कंसेप्ट है लेकिन आपको बड़े कंसेप्ट समझने के लिए छोटे कंसेप्ट काफी स्ट्रांग रखने होंगे, करेक्ट। क्योंकि यहां पर हम लोग कौन से नारे के साथ उतरे हैं इस बार, कि इस बार हमें जो है सिलेबस खत्म नहीं करना है, इस बार हमें सब्जेक्ट को खत्म करना है, करेक्ट। थोड़ी देर में लेता हूं बेटा कॉल, 2 मिनट, ठीक है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने दो। ये हो गया आपका कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो राइबोस जैसा ही हो गया, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा है। डिफरेंस क्या है ये देखो, यहाँ पे राइबोज, तो राइबोज के साथ क्या लगा हुआ है, डी ऑक्सी। डी मतलब निकलना, डी मतलब निकलना और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। सुधीर ठाकुर, ये क्लास जो है अभी 6 बजे से चल रही है और आज बायोलॉजी की 17th नंबर की क्लास है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन कम है, मतलब राइबोज के कंपेयर में, राइबोज के कंपेयर में एक ऑक्सीजन जो है वो कम रहेगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन कम रहेगा तो वो कहाँ पे कम रहेगा, देखो ये वाला जो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बदले यहाँ पर रहेगा हाइड्रोजन, तो एक ऑक्सीजन एटम कम हो गया और बाकी सब वैसा का वैसा ही। इसीलिए इसको बोलते हैं हम डीऑक्सीराइबोज शुगर और इसको बोलते हैं हम राइबोज शुगर, करेक्ट, है ना। अब रिंग वाइज देखोगे तो ये वाली जो रिंग है इसको भी हम फ्यूरेनोज रिंग बोलते हैं,
कौन सी रिंग बोलते हैं? फ्यूरेनोज रिंग बोलते हैं, और ये जो रिंग है इसको भी हम फ्यूरेनोज रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूरेनोज रिंग, ये भी फ्यूरेनोज रिंग। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप देखो कि हमने ये कहा है, अब आप जो मुद्दे की बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, अगले 5 मिनट कुछ नहीं, सिर्फ मेरी बात सुनो ध्यान से। ठीक है, कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास डीएनए भी है और आरएनए भी है, लेकिन डीएनए और आरएनए में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल ज्यादा स्टेबल है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल ज्यादा स्टेबल है, डीएनए ज्यादा स्टेबल है या आरएनए ज्यादा स्टेबल है? डीएनए कौन सा स्टेबल है? डीएनए, आरएनए नहीं राकेश। ठीक है, क्यों क्यों स्टेबल है डीएनए जो है ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? डीएनए मोर स्टेबल, आरएनए एज कंपेयर टू आरएनए डीएनए इट इज लेस स्टेबल। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन मैं आपको समझा रहा हूं। देख लो कि जैसे कोई भी केमिकल, कोई भी केमिकल हो, ये अगर ज्यादा रिएक्शन करेगा, है ना, क्योंकि रिएक्शन करने के बाद कोई भी केमिकल जो है वो एक न्यू केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब जो ज्यादा रिएक्शन करेगा वो अपना स्ट्रक्चर जल्दी बदलेगा, क्योंकि ये केमिकल का स्ट्रक्चर अलग रहेगा रिएक्टेंट का, और जो प्रोडक्ट बनेगा न्यू केमिकल उसका भी स्ट्रक्चर जो है अलग रहेगा। मतलब रिएक्शन के बाद केमिकल का स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाता है। इसका मतलब है कि जो केमिकल ज्यादा रिएक्शन करेगा वो जल्दी जल्दी अपना स्ट्रक्चर बदलेगा, जल्दी जल्दी अपना रूप बदलेगा, जल्दी जल्दी अपना नेचर बदलेगा। तो डीएनए को आप देखो, डीएनए और आरएनए को यहां पर देखिए आप, ठीक है, यहां पर ये देखिए, डीएनए के पास ये सॉरी राइबोस शुगर के पास एक और दो फंक्शनल ग्रुप है, जबकि डीऑक्सी राइबोस शुगर के पास एक ही फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि मोर फंक्शनल ग्रुप, जिस भी केमिकल के पास ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेंगे इट विल मोर रिएक्टिव, वो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, ज्यादा रिएक्टिव रहेगा तो लेस स्टेबल रहेगा। अब हम जानते हैं आरएनए में कौन सा शुगर होता है? राइबोस शुगर होता है। डीएनए में कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है। अब राइबोस शुगर में जो है दो फंक्शनल ग्रुप है और डीऑक्सी राइबोस शुगर में एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डीएनए ज्यादा स्टेबल हुआ या नहीं हुआ? डीएनए ज्यादा स्टेबल हुआ या नहीं हुआ? बात समझ में आ गई? व्हाई डीएनए इज अ मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल एज कंपेयर टू द आरएनए? क्या समझ नहीं आ रहा रागिनी? रागिनी क्या समझ नहीं आ रहा बेटा? ठीक है, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि डीएनए ज्यादा स्टेबल क्यों है और आरएनए कम स्टेबल क्यों है। जागृति एक बार बेटा अपना रिफ्रेश करो पेज को, आवाज आने लगेगी। एक दो कॉल ले लेते हैं कुछ लोग। प्रवंग मिश्रा इस बार आप बात करेंगे, प्रवंग मिश्रा हाँ बताइए। कल कल क्लास हुई थी ना, हाँ हाँ पूछो ना। तो हाँ
हाँ, याद आ गया मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। एक्चुअली वो दिखता नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही बोला था। असल में क्या है, आप जब किसी भी पेड़ की पत्ती को या लिविंग टिश्यू को एसिड के साथ में क्रश करके स्लरी बनाओगे और उसको जब फिल्टर करोगे, तो कुछ चीज़ें फिल्टर होके नीचे आ जाएगी और कुछ चीज़ें ऊपर ही रह जाएगी फिल्टर के ऊपर, है ना? तो जो चीज़ें फिल्टर के ऊपर रह गई वो सोल्यूबल नहीं है, इसीलिए ऊपर रह गई। और हमने सॉल्वेंट एसिड यूज़ किया था, इसलिए हम बोल रहे हैं जो चीज़ें फिल्टर नहीं हुई वो एसिड इनसोल्यूबल पूल है, और जो चीज़ें फिल्टर हो गई वो एसिड सोल्यूबल पूल है ना? और जो चीज़ें फिल्टर हो गई उनका उनका जो मॉलिकुलर वेट है वो कम है, और जो चीज़ें फिल्टर नहीं हुई उनका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है। तो जो हमको मैक्रो मॉलिक्यूल, जो बायो मॉलिक्यूल हमको स्टडी करने हैं, वो छन के नहीं आए हैं, क्योंकि वो मैक्रो मॉलिक्यूल है, उनका मॉलिकुलर वेट जो है 1000 डाल्टन से ज़्यादा है। ठीक, ओके बेटा। हेलो नाना, हेलो। हाँ जी, नहीं तो ये तो अभी आपको जो है ना फिलहाल में ये याद करना होगा, ये कि कहाँ इसका लॉजिक जो है ना, इसका लॉजिक असल में इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है ना? इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना? ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेस पर जो है ये फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिसाइड होता है ना? यहाँ पे हम इस लेवल पे वो लॉजिक को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी अभी आपको समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। किसी को समझना है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? है ना? ये एक्चुअली आपके लेवल का कंसेप्ट नहीं है। ये क्या है कि ये लाइट को रोटेट करने वाला कंसेप्ट है, कि कोई कंपाउंड लाइट को जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, कोई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, करेक्ट? तो उसके ऊपर से ये फंक्शनल ग्रुप। अभी जो है फिलहाल में इतना जान लो आप कि आपको इस लेवल पे इनकी पोजीशन याद करनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर याद नहीं करने हैं हमको, दो चार पांच ही स्ट्रक्चर याद करने हैं उतनी। ये आपको केमिस्ट्री में भी है, आपको केमिस्ट्री के थ्रू याद हो जाएंगे, है ना? हाँ डीएनए, फिर से एक्सप्लेन करूँ डीएनए में क्या एक्सप्लेन करूँ भाई, बताइए। डीएनए के लिए कुछ नहीं आया, चलो देखते हैं, कोई क्वेश्चन होगा तो पोस्ट करो। डीएनए को रिपीट कर दो प्लीज, और कोई होगा डीएनए को रिपीट करने वाले? कम से कम 5 कैंडिडेट होंगे तो मैं रिपीट करूंगा, एक बच्चे के लिए 200 बच्चों को रिपीट करना सही नहीं है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट कॉल लेता हूँ। हेलो गौरव, 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 हाँ गौरव बताइए, गुड इवनिंग। अरे यार अभी ज़्यादा बच्चे नहीं है ना यार रिपीट करने वाले। अरे कोई दिक्कत नहीं, अभी जो है आप इस क्लास के बाद इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। ठीक है, देखो मैं चलो शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ठीक है 2 मिनट में। देखो क्या होता है कि डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर जो है, ठीक है, डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर, ये दोनों में से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा है ये हम पहचानना चाह रहे हैं। डीएनए ज़्यादा स्टेबल है या आरएनए ज़्यादा स्टेबल है? ठीक है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? डीएनए के अंदर के स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो इसके अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल है वो है डीऑक्सीराइबो शुगर, और आरएनए के अंदर कौन सा है? राइबो शुगर, करेक्ट? अब डीएनए जो राइबो शुगर है, करेक्ट, राइबो शुगर का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे
तो आपको कैसा दिखेगा, उसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे। क्या दिखेंगे? दो फंक्शनल ग्रुप। मतलब जैसे मैं राइबो शुगर का पहले बनाता हूँ, ये हो गया आपका राइबो शुगर इस टाइप से, यहाँ पे पांचवा कार्बन लग जाएगा, ठीक है। और क्या बना रहा हूँ मैं, ये राइबो शुगर बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इधर में एक हाइड्रोजन, इधर में। और उसके कंपेयर में जब मैं डीएनए में जो डीऑक्सी राइबो शुगर है उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो बाकी सब कुछ सेम, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे रहता है, ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका ऑक्सीजन निकल जाता है, मतलब यहाँ पे बचता है हाइड्रोजन। अब आप देखो तो राइबो शुगर में दो फंक्शनल ग्रुप है, एक ये और दूसरा ये, कितने फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप है, करेक्ट। वहीं पर डीऑक्सीराइबोज में कितने फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो जिस भी केमिकल में, जिस भी स्ट्रक्चर में ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जिसमें कम फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो लेस रिएक्टिव होता है। अब जो कंपाउंड लेस रिएक्टिव होता है वो मोर स्टेबल होता है, और जो कंपाउंड मोर रिएक्टिव होता है वो लेस स्टेबल होता है, क्लियर। इसीलिए आरएनए लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू द डीएनए, और डीएनए ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द आरएनए, करेक्ट। अब क्लियर, अब कोई डाउट नहीं, ठीक है। यहां पे हाँ, मोर फंक्शनल ग्रुप, मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए, अब हम जो है बात करते हैं, ये हो गया मोनोसैकेराइड का किस्सा खत्म, अब अपन बात करेंगे डाइसैकेराइड्स की, डाइसैकेराइड्स, करेक्ट, डाइसैकेराइड, ठीक है। अब डाइसैकेराइड है, इसका मतलब है कि इसमें जो है दो मोनोसैकेराइड्स है, कितने मोनोसैकेराइड्स है, दो मोनोसैकेराइड, तभी इसको डाइसैकेराइड बोल रहे हैं, डाई दो, डाइसैकेराइड, करेक्ट। अब यहां पर बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो जैसे मैं बोल रहा हूं, एग्जाम्पल थ्रू लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पहला आपका डाइसैकेराइड में माल्टोस, कौन सा, माल्टोस। माल्टोस में आप देखोगे तो आपको जो है दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल दिखेंगे, कितने मॉलिक्यूल दिखेंगे, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, मतलब C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये मॉलिक्यूल का ये फॉर्मूला है किसका, माल्टोस का। अब इसको ड्रॉ करने जाऊंगा तो कैसे ड्रॉ करूंगा, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा ये इस टाइप से, पांच कार्बन वाली रिंग और ये छठवां कार्बन, ठीक है, ये अब भी बनाए थे हमने। अब ये दूसरा भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना दूंगा मैं ये, लेकिन यहां पर जो है ये दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं ये इस टाइप से, करेक्ट। नंबरिंग अगर करेंगे तो नंबरिंग मैं कर देता हूं, जैसे यहां पर ये फर्स्ट नंबर का कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन, यहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स्थ नंबर का कार्बन, करेक्ट, ये सिक्स नंबर का कार्बन। अब ये जो बॉन्ड है, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये वो बॉन्ड है जिसने ये दोनों शुगर के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ के रखा है, और जोड़ने की वजह से ये सिंगल मॉलिक्यूल बन गया है जिसको हम बोल रहे हैं डाइसैकेराइड। अब ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब दो शुगर के मॉलिक्यूल आपस में जिस बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
नहीं अपने मर्जी से नहीं लगा सकते। ये नंबरिंग ऐसी क्यों आ रही है बेटा, कल की क्लास में मैंने क्लियरली बताया है ओपन चैन को कैसे आपका आप जो है रिंग चैन में कन्वर्ट कर सकते हो, ये मैंने क्लियर कट आपको बताया है, ठीक है। कल की क्लास एक बार फिर से देखिएगा। अब यहां पर ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो किसके बीच में बना है, देखो ये बना है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में, इसीलिए इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हम 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोलते हैं, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये हो गया आपका माल्टोज मतलब कि डाइसैकेराइड। ठीक है, डाइसैकेराइड का एक और एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रोज भी आपका डाइसैकेराइड। सुक्रोज को एक क्वेश्चन आ सकता है कि सुक्रोज को और क्या कहते हैं, तो उसको केन शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केन शुगर भी कहते हैं, करेक्ट। अब यहां पर बहुत बढ़िया रहमान, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक चीज मैं आपको जो रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कहाँ गया, ये तो पेंटोस शुगर है, एक्सोस शुगर वाला पोर्शन कहाँ गया, ये ठीक है, ये एक्सोस शुगर। हाँ, आप ये एक्सोस शुगर में जब देखेंगे तो कार्बन नंबर 1 जो है, ये देखो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन नंबर 1 से क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, करेक्ट। और ये कार्बन नंबर 2 है, तो यहां पर एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां पर जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं उस चीज को आप ध्यान से देखिए कि ये जो आपका माल्टोज है, माल्टोज जो है ये रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और ये आपकी रिड्यूसिंग शुगर है, करेक्ट, ठीक है। फिर जैसे आपका ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ये ठीक है, ट्राइसैकेराइड में जाने के पहले ये देख लो कि ये वाला टेबल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, हालांकि कुछ काम का है नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। जो चीज यहाँ पे याद रखने लायक है वो है कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज, ये चीज आप ध्यान रखना। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन जो है वो 46.6% है जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर वो 65% है। कार्बन जो है वो 0.03% अर्थ क्रस्ट में है और 18.5% ह्यूमन बॉडी के अंदर है, करेक्ट। इसका मतलब है कि आप एक बात जान लो कि हमारा जो बॉडी है ना वो पूरा का पूरा कार्बन के बेस पे बना है, वो पूरा का पूरा कार्बन के बेस पे बना है। ये चार मैक्रोमोलिक्यूल्स हमको स्टडी करने हैं, उसमें से हम लोग ये पहला वाला स्टडी कर रहे हैं, शुगर मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, करेक्ट। और ये सब शुगर के बारे में है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पॉलीसेकेराइड आ गया, अच्छा डाइसेकेराइड इसमें, ओके सबसे पहले पॉलीसेकेराइड लिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक दो और एग्जांपल दे रहा हूँ, बस आपको एग्जांपल जहाँ कुछ नहीं करना है, ठीक है, एग्जांपल बस याद करना, सिर्फ ट्राइसेकेराइड का एग्जांपल।
जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, करेक्ट। और बीच बीच में मैं कुछ ऐसे सेशन लूंगा जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा। तो मेरे जितना कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ उस कंटेंट के बाहर आप एक लाइन भी नहीं पढ़ोगे ना तो भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे, इट्स माई गारंटी। ट्राइसेक्राइड का एग्जाम्पल है रेफिनोज। क्या एग्जाम्पल है? रेफिनोज। इसमें जो है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज होता है, ठीक। ये जो रेफिनोज है ना, ये असल में आपको किस में मिलता है? कॉफी में मिलता है। किस में मिलता है? कॉफी में मिलता है, ठीक है। ओके, कॉल ले रहा हूं मैं, फिर उसके बाद मैं। नम्रता, क्या पूछ रहे हो बेटा बताइए। हेलो हेलो संध्या, गुड इवनिंग। नोट्स आप चाहे तो बना सकते हो, नहीं तो मैं दे दे रहा हूं उसको, मतलब मैं ग्रुप में डाल दिया हूं नोट्स को, दो बार डाल दिया हूं, आप एक बार ध्यान से देखिएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बना रहोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना, आपको याद रहेगा क्या कैसा। सर लैक्टोज किस में आएगा? लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, लैक्टोज जो है रिड्यूसिंग शुगर है। हेलो कोंडे जाना, हेलो कोंडे जाना, आ रही है बेटा। एनसीईआरटी, नीट और स्टेट बोर्ड तीनों का, ठीक है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके चलिए, ओके इसमें देखो आप, मैं ये बताना चाह रहा कि सब के सब रिड्यूसिंग शुगर है, और इसमें जैसे आपका डायहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है ये एक ट्रायोज है, ये क्या है? ट्रायोज है। और जो आपका एरिथ्रोलोज है ना, ये आपका टेट्रोज है, मतलब
चार कार्बन वाला है, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन तीन कार्बन वाला है, ग्लूकोज जो है ये छह कार्बन वाला है, मतलब हेक्सो शुगर है, और ये सब की सब रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं।
ओके चलिए डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये एक ट्रायोज है। ये क्या है? ट्रायोज है, मतलब कि आपका तीन कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है, तीन कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? ये देखो यहां पर जो है किसी ने क्वेश्चन पूछा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? जो मैं लिख रहा हूं आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? बताइए, जो मैं लिख रहा हूं आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो कभी भी क्या है, ये आपको अच्छा कंसेप्ट मैं बता देता हूं, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनमें डिफरेंस कैसे पहचान हो गया? ठीक है, तो जब भी किसी भी शुगर में, किसी भी शुगर में आपको फ्री, आपको फ्री अल्डेहाइडिक ग्रुप मिल जाए, करेक्ट, तो वो कहलाएगा रिड्यूसिंग शुगर, या फिर फ्री कीटोनिक ग्रुप मिल जाए, करेक्ट, या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर हम किसको बोलेंगे जिसमें कि ग्रुप जो है वो फ्री नहीं है, मतलब कि ऐसे। तो ये वाला जो कार्बन है अपना कीटोनिक ग्रुप है, ये फ्री नहीं है कि फ्री है? ये वाला जो सॉरी, ये यहां पे लिख दिया मैं, ये फ्री है ना, तो ये भी रिड्यूसिंग शुगर है और ये भी रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पे अल्डेहाइडिक ग्रुप फ्री है और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप फ्री है, करेक्ट। लेकिन जब अल्डेहाइडिक या कार्बोनिल ग्रुप जो है वो फ्री नहीं होता, मतलब कि ऐसे, ये इसका ऑक्सीजन एंगेज हो गया, तो ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर गया। तो बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है, रिड्यूसिंग शुगर्स हैव अ फ्री अल्डेहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप, इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर्स, इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है ना? चलिए, तो आज की क्लास अपन यहां पे फिनिश करते हैं, कल फिर मिलेंगे 6 से 7। हम लोग अब जो है डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड को निपटाएंगे। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे, बाय, थैंक यू।